तो दोस्तों आज हम मेरे हस्बैंड की यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और यहाँ पे चंद दिनों से बारिश हो रही है मुस्तकिल, लेकिन बारिशों के बाद भी हम देख सकते हैं कि चाइना का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कितना अच्छा है, हमारे कराची के जैसा या पाकिस्तान की तरह नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चंद दिनों से मुस्तकिल बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी यहाँ की सड़कें जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है और हमारा कराची जैसी हालत नहीं हुई है। अगर हम कराची में होते और इस तरह से बारिशें होती तो आप जानते हैं कि क्या होता। और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड भी हो गई है बारिश की वजह से, तो आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज में ठंड जो है वो नजर आ रही है, सुनाई दे रही है। और ये मेरे हस्बैंड है, तो हम जो है वो सबवे की तरफ जा रहे हैं। सबवे जो है वो हमारे घर से तकरीबन 10 मिनट के फासले पे है वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो हम वॉक करते हुए सबवे की तरफ जाएंगे। और ये वो बिल्डिंग है जहां हम रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि तामीरात का काम जो है वो जारी है। आप आवाजें भी सुन सकते हैं। ये रोड जो है वो स्टिल ऑन कंस्ट्रक्शन, तो इसे अभी खोला नहीं गया है। और ये बिल्डिंग भी अभी ऑन कंस्ट्रक्शन है। और आप मौसम देख सकते हैं, मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है और बहुत ठंडा भी हो गया है। और आप देख सकते हैं कि बारिशों के बाद भी सड़कें कितनी साफ सुथरी और कितनी अच्छी हैं। जो है वो सबवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारे घर से तकरीबन 10 मिनट के फासले पे है और वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो हम 4 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। 11 runs in Hangzhou. So it is a good habit to keep umbrella with you at any time. जी, आपको चाइना में हमेशा अपने बैग में अम्ब्रेला रखना पड़ता है, छतरी रखनी पड़ती है, अदरवाइज आप जो है वो बारिश में भीग सकते हैं। At any season, yeah. 1 year, it can rain any time. It can rain any time. Unpredictable. Yeah. There are some people there, not people. They the car. Okay. They are selling strawberry here. Is it here? They are selling strawberry. Maybe after we return back, we can buy some. Okay. स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं और हम जो है अगर ये यहाँ पे रहते हैं जब हम वापस आते हैं तो मे भी हम कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदेंगे। अभी फिलहाल क्योंकि हम जा रहे हैं तो हम नहीं खरीद सकते। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मुस्तकिल बारिशों की वजह से फूल भी जो है वो मुरझाने लगे हैं। दे आर ड्राइंग बिकॉज ऑफ टू मच रेन, राइट? या बिकॉज दे गेट अ लॉट ऑफ वाटर, मोर देन देयर रिक्वायरमेंट। तो हम जो है वो वेदर देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है और यहाँ पे मुस्तकिल अभी चंद दिन है और बारिश होंगी। और आप फूलों को देख सकते हैं जो मुस्तकिल बारिश की वजह से मुरझाने लगे क्योंकि पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो गई है इनकी रिक्वायरमेंट से। अब हम जो है वो सबवे स्टेशन आ चुके हैं और हम जो है वो लाइन 16 लेने के लिए जा रहे हैं। अब हम सिक्योरिटी चेक की तरफ जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही कम लोग हैं,
शायद सिर्फ हम ही हैं। हम सिक्योरिटी चेक की तरफ जा रहे हैं। वॉटर अब हम जो वो स्कैन करेंगे और अंदर जाएंगे और ये प्रोसेस मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अब हम नीचे जा रहे हैं। चाइना में इस तरह से होता है कि कुछ सबवे स्टेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा मसरूफ होते हैं, वहां पे लोग बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हम लाइन 16 में देख सकते हैं कि कोई भी नहीं है सिवाय यहाँ पे एक शख्स जो है वो खड़े हुए हैं और हम दो हैं मौजूद हैं, बाकी लाइन 16 जो है वो बिल्कुल खाली है। और आप देख सकते हैं वहां से हमारी ट्रेन जो है वो आ रही है और ये जो है वो आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है मुस्तकिल। Today we will go to the one of the campuses in Zhejiang University. Zhejiang University has 7 campuses in Hangzhou, but this one is the oldest, named Yuqian Campus. तो हम जो है वो जाजियांग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं जो कि चाइना की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में से एक है और इसका शुमार जो है वो दुनिया की रैंकिंग में यानी कि वर्ल्ड रैंकिंग में किया जाता है। The name of this campus Yuqian. It is named after this river, a small river actually. It is named Yuqian River. Okay. And this is the ये जो है वो कैंपस है आप देख सकते हैं और हम जो है वो इसके मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। इट इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग अबाउट 50 इयर्स बिफोर मे बी आई कैन नॉट रिमेम्बर। ये जो है वो इस यूनिवर्सिटी की जाजियांग यूनिवर्सिटी की सबसे पुराना कैंपस है, सबसे पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे और यहाँ मुस्तकिल बारिश भी हो रही है। यहाँ पे पूरी दुनिया से और मुख्तलिफ जगहों से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। हमारे पाकिस्तान से भी यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं क्योंकि ये जो है वो दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटी में शामिल होती है, इसका शुमार किया जाता है। तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बाहर मुल्क से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए और चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी ये ड्रीम है कि वो यहाँ पे आएं और पढ़ें। और मेरे हस्बैंड जो है वो इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप यहाँ छोटा सा वॉटरफॉल देख सकते हैं। दिस इज अ गेट named the Xiao Qiao Gate, small bridge, small bridge gate. This is one of the gate of the university. Yeah. See? Xiao Qiao Men. Yeah, Xiao Qiao Men. See? Qiao means bridge. Yeah, yeah, yeah. So it is a bridge. It is the biggest gate. Okay.
in the south of China, the river, all the river, they have the same color. See, it is green. It is because of the, you know, some that kind of plant in the river. Okay. Alja. Yeah. Especially in the spring, it becomes more and more green. Exactly. And this kind of water is not suitable for drinking. Oh. Even though it is sweet. It is. Yeah. Yeah. And this, inside this river, it is full of fish and some crab or shrimp. And before, my friend and I, we catch some fishes inside from it. We're lucky. The biggest gate of this campus. Okay. A lot of people take photos here if in the graduate season. graduation time. देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर जाने के लिए कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है. मेरे हस्बैंड जो है वो अपना फेस जो है वो शो करके अंदर जा रहे हैं. अब जो है वो हम अंदर आ चुके हैं. यहाँ यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं. यहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी से दाखिल नहीं हो सकता. आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए आपके पास फेशियल आइडेंटिटी होनी चाहिए या फिर आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए. कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन कि आप जो है वो इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं. Professor's office is here, but now we move to the new campus, a very big one, Jinggang campus. So you used to study here during your undergraduate? Yeah. You live in this campus? Yeah, in my undergraduate. Oh. 2 years, I lived there for 2 years. After that you moved to the new campus? Yeah. Oh, get it. Because it is a very old campus, so you can see the tree. It's just like in a jungle. You see? Oh. You can take the photo of the whole of the... See? Even that green. Even the tree becomes green. Every tree becomes green. Yeah. Wow. So do you like this campus more or your new campus more? I like this campus more. Because it is how is it? I like the old thing. So where are we going now? I thought you see the state of Mao. Let's see. That kind of... The statue? Yeah, of Mao. Mao Zedong? Yeah, Mao Zedong. See here. You can take a... See. Oh! तो आप देख सकते हैं कि चाइना में यूनिवर्सिटीज बहुत खूबसूरत होती हैं और यहाँ ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा है.
और हम जा रहे हैं माओज़ेदोंग के स्टैचू की तरफ, जो कि चाइना के लीडर हैं। जैसे कि हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उसी तरह से ये चाइना के लीडर हैं। It means the Zugua means motherland. Wansui means the live forever. Forever. It means motherland, live forever, live long. Yeah, live long. Okay. Next is. Zugua. I have a lot of memories about this compass, and every day I will see this. The President Mao. I remember your undergraduate pictures are also taken here, right? Yeah. When I graduate, yeah. I take the photo from here. So it is really a good place to live, especially these hills. You can see after this campus there is a mountain. See, you can even see the cloud on the mountain, and it is very healthy to live there. Every day walk on the green grass. Yeah, on the green grass. Under the green trees. Yeah. In a beautiful environment. Why Mao Zedong has keep his hand like this? Because he was shaking the hand to the people. Oh. In China, every university they build such a statue. Statue. They build every university they build it. Later. Some university they broke it, but this campus keep it. Why they broke it? Some history reason. You don't know. Even in my hometown there is a university named Guizhou Normal University. In the campus of that university, I saw it. It is not as maybe it is as big as this. और अब जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई है. Now it has begin to rain. Yeah. And I'm outside of the umbrella. Who you are keeping in the umbrella? I go to the canteen, the halal canteen. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये playground है इस university का. I don't know about it. I've never been there, to be honest. You don't like going to playground? Not for even running. I didn't. Very good. The playground है? Okay. Oh. हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो mountains हैं. And what's the name of this mountains again?
Laoha Mountain. Laoha Shan. See this tree. All this tree. Gymnasium. Okay. Maybe next time we can also show the new campus. The new campus is more beautiful than this one. This campus is old. But it is still very beautiful. If you live inside it, you will know it. You have been here for 2 years. Yeah, 2 years. I lived inside such, you know, dorm. It is very narrow for the Chinese students. How many students live in inside one dorm? In a small dorm, there lives four students. Four. Yeah. Because I think it is because there are too many students. Too many students come to the university. So the condition actually, the condition is not good. I heard that for the foreign students, the condition is much better. They even offer the clean service. Cleaning service. Chinese students, they should clean it by themselves. Does this campus have halal restaurant? Halal canteen? Every university in China has it. Halal? Yeah, because there are 20 million Muslims in China. It is 20 million, right? Yeah, there are 20 million. 20 million Muslims in China. तो मैं आपको ये बात बता दूं कि बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि आप चाइना हैं तो आप चाइना में कैसे रहेंगे, चाइना में मुसलमान नहीं होते. तो मैं आपको बता दूं कि चाइना में भी मुस्लिम माइनॉरिटी मौजूद है, जिस तरह से पाकिस्तान में हमारे पास माइनॉरिटी में हिंदू हैं और ईसाई हैं और बहुत सारे डिफरेंट मजहबों के मानने वाले. इसी तरह से चाइना में भी हान के अलावा बहुत सारे डिफरेंट माइनॉरिटीज मौजूद हैं, जिनमें से मुस्लिम एक माइनॉरिटी है. इसके अलावा यहाँ ईसाई और भी बहुत सारी मुख्तलिफ माइनॉरिटी जो है वो चाइना में मौजूद है. एंड बिसाइड्स दैट देयर आर सम फॉरेनर्स फ्रॉम सम मुस्लिम कंट्रीज लाइक मेनली दोस फॉरेन स्टूडेंट्स कम फ्रॉम पाकिस्तान एज आई नो एंड सम मे बी सम येमन सच कंट्री. And if there is no halal canteen, then it is not convenient for them. So the halal canteen is behind this building. So इस building के पीछे जो है वो halal canteen है. और अगर आप इस campus में पढ़ने के लिए आते हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं कि आप कहाँ पे जो है वो halal canteen ढूंढ सकते हैं. This is the west. They sell some food like bread, sesame, western food. Western food. Do they sell any halal breads or such things?
is the halal restaurant. Halal, okay. Yeah. तो ये जो है ये हलाल कैंटीन है जहाँ पे यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो आके खाना खा सकते हैं, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं. ये नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को भी अलाउ करते हैं यहाँ पे खाना खाना, लेकिन मुसलमान जो हैं वो यहाँ पे आके खाना खा सकते हैं. From the design, you can know it is a halal restaurant. Yeah. Right. और आप देख सकते हैं कि not only the Muslims eat at halal. Yeah. Even non-Muslims in China. Actually, mainly the non-Muslims come here to see. This tell a story that you know in about 1930s, the Japan invade China. Mm. So at that time, the Zhejiang University, it is in danger because the land of Hangzhou, it is you know invaded by the Japanese soldier. So all of them changed their university. They changed the university to Guizhou, and they go to Guizhou by walking. You know, it is very long. We come from Guizhou, right? Yeah. Even take the high speed train, it costs about 8 hours. If you take the normal train, it spend over 30 hours. But at that time, they walk there. Okay, they walk from Zhejiang to Guizhou province. It is very long. So it was this story was recorded. This stone. तो हम देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी का नाइट व्यू है और यहाँ पे बारिश के बाद मौसम जो है वो बहुत ठंडा हो चुका है. हालांकि अभी अप्रैल का मंथ है लेकिन फिर भी यहाँ पे सर्दी है. एंड इट इज वेरी कोल्ड. हाउ मच टेम्परेचर इज टुडे? 13. ओके. अब हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है और मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाहती क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा गर्म कपड़े नहीं पहने तो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग गई है. This compress is very small. It is compared to the main compress, the new one. It is very small. Okay. So now we will go out. You can see how my husband go out. अब जो है हम बाहर आ चुके हैं और सब्वे की तरफ बढ़ रहे हैं हम.